इस संसार में कई करोड़ इंसान रहते हैं और हर इंसान के सीने में एक दिल है और ये दिल न जात जानता है और न पात जानता है, ना ही अमीरी गरीबी का भेदभाव जानता है। इसकी अपनी एक अलग ही भाषा है। इस भाषा को अभी तक कोई नहीं जान पाया। हमारी इस कहानी में हमने दिल के इसी विशिष्ट और निर्मल रूप को दर्शाया है। इस दिल की हर एक बात, हर भावना, सब कुछ अलग है। हेलो, हाँ बोलो सर जी, क्या दिया? ओपन दिया? ओके, ठीक है सर जी, ओपन में दिया लिख रहे, ओपन किया है, सब माल हटाया यहाँ से। अरे बोला, ये 100 रुपए किस पे लगाए थे? 3 पे लगाए, बिल्कुल सही लगाए। आ गए तो तकलीफ है दूर। पिछली बार याद है जैकपॉट दुआ लगा था, इस बार मेरे को यकीन है छक्का ही आएगा। ये बोटी खाने वाले कुत्तों का लगता है हड्डियों से पेट नहीं भरता। ए, तेरे को बहुत चर्बी चढ़ गई है क्या? हाँ, चल उतारता हूँ तेरी चर्बी। चक्कर, ये तो अच्छा नहीं कर रहा है। तू जानता नहीं है तो कौन है? बहुत पछताएगा तू। ये तो थाने में पता चलेगा। अरेस्ट करो सबको और सारे पैसों की बोरियां उठा उठा कर गाड़ी में डालो। चलो ने इसे इंस्पेक्टर बनाया और अंदर आने किसने दिया? इसके इतने हिम्मत के मेरे भाइयों पे हाथ डाले। मैंने मना किया था पर इन्होंने मेरी बात मानी नहीं। ए लाल पीला, समझ ले कल से तू ही इंस्पेक्टर। यस सर। अब से जो मैं कहूँगा वही तू करना। क्या है? 50 रुपया और दो ना। का 50 रुपया रहे, चल आ चल। तेरा कितना हुआ? चल यही ले, और नहीं मिलेगा। अरे ओ भोला भाई, सभी लोग तो आ गए, मेरा बेटा अभी तक क्यों नहीं आया? चिंता मत करो, आ जाएगा। वो शिकार पर निकला हुआ है, जब बड़ी बड़ी मछलियाँ मिल जाएंगी तो आ जाएगा। अरे बेटा, ये दोनों मछलियाँ 2-2 किलो से भी ऊपर की है। 2 किलो से ऊपर की नहीं, 8-8 किलो की मछली है। एक को बाजार में बेच दूंगा और दूसरी को फ्राई करके खाएंगे, मस्त मजे करेंगे। अच्छा, तो फिर इधर ला। ए चंदेरी, दादी, प्रीति, अरे देखो तो। हाँ भाई, उस बुढ़िया के हाथ से दोनों मछलियाँ छीन लो। अभी चिंता भाई, मैंने अपनी सारी उम्र में इतनी बड़ी बड़ी मछलियाँ कभी नहीं देखी। ए, मछली भाई को चाहिए, चला।
अरे तुझे देंगे तो कोई फायदा नहीं होगा, उल्टा घाटा होगा। बाजार में जाके बेचेंगे तो कीमत मिलेगी। तो बाजार में जाके बेचेंगे तो फिर हम क्या करेंगे? मालिक ऐसा मत कीजिए मालिक। अरे बुढ़िया, मैं इसे मारूंगा तो ये मर जाएगा, ये सोच के डर रही है। नहीं तो ये मारेगा तो तू नहीं बच पाएगा, इस बात का डर है। क्या समझती है, मैं कोई चूहा हूँ क्या? ए, तेरा ही समय खराब है तो मैं क्या करूँ। इधर ला, मार इसे। मारो साले को। उसे खाना पक गया है, आके खा जा। अरे तू जरा चुप रहे माँ, मैं इनको नरम करके आता हूँ। क्या जरूरत थी पंगा लेने की, हो गई ना पिटाई। जिस काम से आए थे वो चुपचाप करके जाओ ना, अपने बाप की मछली समझ के छीन के चल दिए। डगा 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 डगा, हाथ तोड़कर पैर में लटका दूंगा सालो। जाओ रे, चलो जाओ यहाँ से। खाली खड़े होके तमाशा देख रहे हैं। खाना खाने तो आ जा। पहले मुझे फ्रेश होने दे। ए, पता नहीं इस लड़के को क्या हो गया है। मेहनत करके मछली हम पकड़ते हैं और हमारी कमाई वो लोग खाते हैं। ए गोलो। हाँ भैया। अरे जल्दी लाना यार। लाया, ये लो। ये भी दे गोलू। हाँ भैया। ये बकरे की ही है ना? मेरी माँ की कसम भैया, ये बकरे की ही है। फिर ठीक है। ये ले, तुझे पीने के लिए मना करने के बाद भी तू रोज पीकर आता है। ये बात मेरे बाप को बता। वो देख सामने दीवार पे उसका फोटो है। शराबी नहीं, वहाँ शराबी था वो। मैं भी तो उसी का बेटा हूँ ना, तो उसी के रास्ते पे चलूंगा।
ए माँ, तेरी दी हुई गंजी से मेरा पेट नहीं भरा। तू भले ही भूखी रहे लेकिन मुझे दे दे ये सब। अरे बेटा मुझे भी तो भूख लगी है ना। भूख लगी हो तो बना के खा लेना। Recitation of the batting average of every filly that stepped up to play. The time the boy must have wasted learning these averages. Namaste, aao kya? क्लास में पीकी क्यों आया है? चल बाहर निकल। सर वो क्लास में पीकर बैठा है। क्लास में पूरी बदबू आ रही है। सर आप चल के देखिए ना सर। ए, अरे क्या करने जा रहे हो? रुक जाओ। अरे अबे मैं स्कूल में क्यों नहीं आ सकता? अबे स्कूल नहीं मेरे बाप, कॉलेज है कॉलेज। हाँ वही वही, क्यों नहीं आ सकता? सड़क छाप लोगों को कॉलेज में प्रवेश नहीं मिलता है मेरे बाप। मेरी माँ कहती है पढ़ाई करो और तू बेटे कॉलेज में मत आ। मुझे इज्जत से पढ़ाने का, नहीं तो नीचे फेंक दूंगा, समझा ना? बाप रे, टीचर उसके कॉलेज में आने से किसी को क्या तकलीफ है? किसी को गाली नहीं देता, किसी को मारता नहीं, किसी की रैगिंग नहीं करता। वो आकर एक कोने में चुपचाप बैठ जाता है, उसे रहने दो। सर लेकिन वो प्लीज गो। हेलो सर। यस सर। सर गुड मॉर्निंग सर। कौन है आप? सर मैं इस कॉलेज का प्रिंसिपल हूँ। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट कहने में टाइम बर्बाद मत करो। ये टाइम बच्चों को पढ़ाने में लगाओगे तो बच्चों का उद्धार होगा, बच्चों का उद्धार होगा तो देश का उद्धार होगा। सर ओह माय गॉड, इस तरह कॉलेज मेंटेन किया जाता है? सर ये गवर्नमेंट कॉलेज है सर। गवर्नमेंट को आखिर तुम लोग समझते क्या हो? इस गवर्नमेंट की वजह से ही तुम्हारी जिंदगी चल रही है, समझे? सर नॉनसेंस, क्या है सर? सर पैसा होगा तभी तो मेंटेन होगा। इसे पकड़ो, पैसा होगा तभी तो मेंटेन होगा, ऐसे कैसे मेंटेन होगा? नॉनसेंस, इडियट, स्टूपिड, नॉनसेंस, ये सब। बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। गुड मॉर्निंग सर। ए इस प्यून को अंदर किसने आने दिया? सर ये प्रोफेसर है सर। कितने लोग हैं? 8 लोग हैं सर। तुम लोग रेलवे स्टेशन पर बीड़ी सिगरेट बेचने का काम करते हो क्या? तुम लोग प्रोफेसर हो? तुम्हारी शक्ल तो कामत क्लब के मैनेजर से मिलती है। क्या नाम है तुम्हारा? निर्मल पांडे। टीका कहाँ है? पसीने से मिट गया। नॉनसेंस। बाप रे कितनी गर्मी हो रही है। ए सारे रजिस्टर ठीक से मेंटेन करते हो ना? सर ठीक से करते हैं। कितने बच्चे हैं? 160 सर। 160? सरासर झूठ बोल रहे हो। नहीं सर, चाहे तो आप देख सकते हैं सर, करेक्ट मेंटेन करके रखा है। 160, 160। इसमें मेरा नाम नहीं है इसलिए 160 है। सोच के देखो, कुछ याद आया? मेहरबानी करके मुझे अपने कॉलेज में एडमिशन दे दीजिए सर, प्लीज सर। यू ब्लडी। नहीं 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 सर, रहम कीजिए, रहम कीजिए सर। सर सर 1.5 किलोमीटर वॉकिंग, 2 किलोमीटर साइकिलिंग करके आया हूँ सर। पूरे मालेगांव में एक ही कॉलेज है सर, मैं एकलव्य, आप द्रोण है सर। मेहरबानी करके नाम मत कीजिए वरना मैं बर्बाद हो जाऊंगा सर। चले जाओ, चले जाओ यहां से। दीवार से सिर टकराया। आदमी है कि सीमेंट। हम दोनों दोस्त बन जाएं क्या? हाँ दोनों दोस्त बनेंगे ना। दोस्त तुम्हारी जेब में कितना माल है? 100 रुपए। मेरे पास 100 रुपए, तेरे पास 100 रुपए, चल इनको 1,00,000 रुपए बनाते हैं। 1,00,000 रुपए? इसे पकड़, रश बहुत है। अरे रश बहुत है, रुपए रास्ता बनाता हूँ। बोल भाई, मैं तो ठीक हूँ। 50 का ठीक है, तेरे नाम से लगा देता हूँ। चल 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 चल। अबे जीरो पे पैसे क्यों लगा दिए? तुझे खेल के बारे में पता नहीं क्या? नहीं। ये लड़ा है तू? अरे इसको मटका कहते हैं। वो का मतलब है ओपन। क्या ओपन? खेल का ओपन। चौका गया, चौका गया। अपना भी चौका, उधर भी चौका। अगर दूसरी भी चिट्ठी का नंबर आ गया ना तो अपने 100 रुपए का 40,000 रुपए हो जाएगा। मेरा भी लगा दो, मेरा भी लगा दो। अरे इतनी सारी भीड़ इसी के लिए तो खड़ी है। मैं भी इसके पीछे बनूंगा। अब आ गया। अरे नहीं यार, चला गया। क्या क्लोज? क्या क्लोज? अरे खेल क्लोज। मेरा पैसा गया। नहीं। अगर और पैसे हैं तो दे, लगाता हूँ ना। नहीं है।
हाँ ये तो है ना, अरे बेच के पैसा डबल करके देता हूँ ना। अरे जाके बोल दो, दो हफ्ता और लगेगा। जाओ जाओ जा। ये लीजिए काफी, ठीक है ना यार, कर देंगे। लेकिन कौन है? अच्छा तू आ गई मछली लेके, चल पीछे से आ जा। आती हूँ आती हूँ। हाँ वो झूठे पैसे सारे डिब्बे में जमा करो और नोट सारे बोरी में बांध कर रखो। मछली साफ करके काट के रख दी है। मालकिन थोड़ा सा अचार, घर में अचार खत्म हो गया है, ऐसे ही खा ले। देखो तो कैसे पी रहा है, थू तेरे पीने पर। कमाया हुआ पूरा पैसा बर्बाद कर दिया इसने, ऊपर से जुआ खेलेगा जुआ। तेरे इन बच्चों को कौन पालेगा? तुझसे शादी करके मैं बर्बाद हो गई। ए, तू इसके बारे में जानती क्या है? एक न एक दिन इसी मटके से लाखों लाखों रुपए कमाऊंगा। ये हुई ना कोई बात, मार दे गोली। गोविंद नारायण भट्ट। यस सर। अरविंद। यस सर। अमूल्या। आरती। आरती। शंकर नागा। यस सर। अमृता। प्रेजेंट सर। सनील। सर। सर क्या है? क्या क्या? मेरा नाम क्यों नहीं लिया? इसमें नहीं है। क्यों नहीं है? लिखा नहीं है। क्यों लिखा नहीं है? ऐसे वैसे नहीं लिख सकते। नहीं पूछ रहा हूँ, ऐसे वैसे क्यों नहीं लिख सकते? इसमें एडमिशन लिए स्टूडेंट का नाम लिखा जाता है और उसकी एंट्री की जाती है, समझे तुम? ए, वो एडमिशन एडमिशन मैं नहीं जानता, नहीं तो हेडमास्टर से इतनी बड़ी शिकायत करूंगा। चल मेरा नाम चुपचाप इसमें लिख दे। अरे मेरे प्यारे राजा, गुस्सा मत करो, गुस्सा मत करो, गुस्सा मत करो। क्या चाहते हो बताओ? तुम्हारा नाम ही लिखना है ना? मैं लिखता हूँ। तुम्हारे पास दिमाग नहीं है क्या? सिर्फ नाम लिखने में क्या जाता है? हाँ लिख दिया बस। तो फिर मेरा नाम पुकारो। करण। हाँ ये हुई ना बात, अब अच्छा लग रहा है। साहब जी आप इस मास्टर को अच्छी तरह से समझा दो, अगर मेरा नाम रोजाना नहीं पुकारा ना तो मैं ये रजिस्टर फाड़ के फेंक दूंगा, और अगर मेरी माँ आ गई तो इसको मछली की तरह छील लेगी। समझाता हूँ। खतरनाक है वो। दिमाग नहीं है क्या? इसका नाम नहीं पुकारोगे तो ये तुम्हें खाई में फेंक देगा। आप प्रिंसिपल? मैं इंस्पेक्शन करने आया हूँ। क्या है ये, बिल्डिंग है या गौशाला? अच्छा ये बताओ मुझे कि ये बनी कब है? तुम यहाँ के प्रिंसिपल हो? तो हो गया यहाँ का उद्धार। नो डिसिप्लिन नथिंग, क्या सिखाते हो तुम लोग स्टूडेंट्स को? ये कोई कॉलेज है क्या? एक ऑफिसर के आते ही उसका रिस्पेक्ट खड़े होकर भी करना नहीं जानते? कैसे स्टूडेंट है ये? कम ऑन गेट अप, से गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। यही है ना रजिस्टर, ठीक से मेंटेन करते हो कि नहीं? इस क्लास का स्ट्रेंथ क्या है? इस क्लास का स्ट्रेंथ क्या है ये पूछ रहा हूँ। 162। यहाँ तो सिर्फ 161 है। अरे तुमको मिलाकर पागल। What? Hey! एक खींच कर दिया ना तो तेरी पूरी बत्तीसी सीधे पेट में जाएगी। चल उठ जा, चल उठ जा। तू क्या समझता मैं नहीं जानता? एडमिशन के लिए यहाँ आकर ऑफिसर की तरह धौंस जमा रहा है। Shut up! एक इंस्पेक्शन के लिए आए हुए ऑफिसर से बात करने का ये कोई तरीका है? मैं तुम्हें अभी सस्पेंड करता हूँ। सर अनजाने में हो गया सर। सर सर आपकी तरह एक इडियट, एक इडियट ने इसी तरह से आके मुझे बेवकूफ बनाया था सर, इसीलिए मैं आपको भी वही समझ बैठा सर। रहम कीजिए, मेरे बाल बच्चे हैं सर, सस्पेंड मत कीजिए सर। प्लीज सर, प्लीज सर। दिस इज माय ऑर्डर, यू आर सस्पेंडेड। सर आपको बहुत पसीना आ रहा है, एनी प्रॉब्लम सर? तेरी तो मैं, ये सारी प्रॉब्लम तेरी वजह से हुई है। सर लुंगी खुल गई है, गिर जाएगी। मेरी लुंगी खुली या गिरे तो उससे क्या, तू जा यहाँ से भाग। बदतमीजी जरूरी थी क्या? अरे उसको छोड़ना यार, इसको
अरे संभाल सर, सर। अरे वो मेरे चाचा का लड़का है, वो ऐसे ही लुढ़कते हुए घर चला जाएगा। तुम्हारी पूरी फैमिली ऐसे ही है क्या? ये शराब का अड्डा है यार। शराब का अड्डा? ये ताड़ी की दुकान, यू तुम भी पीते हो? तू नहीं पीता क्या? मुझे तो इसकी बदबू से भी नफरत है। इसके बदबू के बिना चलता ही नहीं है। तू इसके बारे में जानता नहीं है क्या? होल्ड ऑन छोटे, इसको कहाँ देखा है? मैंने तुम्हें कहीं देखा है। मैंने भी तुम्हें कहीं देखा है। कहाँ? सोच कर बताऊंगा। बदबू। अरे नमस्ते भाई साहब। तुझे कुछ चाहिए? बोलो। हाँ पिताजी। देखिए क्या चाहिए। देखता हूँ पिताजी। मेरे लिए चिट्ठा मंगा देने यार। ये क्या, तुमने सीट बदल लिया क्या? ए छोटू, मैं ये सब नहीं पीता, ले जा। बेकार में बैठ के टाइम पास करने के लिए यहाँ आते हो? पीने का है तो यहाँ आने का, नहीं तो टाइम पास नहीं करने का। मैं अपने यार एक बार बोल दिया तो बोल दिया। मैंने भी किस बेवड़े से दोस्ती की है, सुबह से इसमें डूबना शुरू कर देता है। ए बच्चे, मैं ये सब नहीं खाता, मैं वेजिटेरियन हूँ। ये भी नॉन वेजिटेरियन है। छोटे, मैं ये सब नहीं खाता, वेजिटेरियन हूँ। वही है ये। मैं वेजिटेरियन हूँ। ये वही है। मेरे लाल, मैं वेजिटेरियन हूँ। सबसे चुपचाप खाता है कि नहीं? मंदिर में जाने के बाद प्रसाद लिए बिना ऐसे ही आ जाता है क्या? बिल्कुल नहीं आता। ये भी वैसे ही है, यहाँ आने के बाद ऐसे ही नहीं जा सकते, खा के ही जा सकते हैं। लेकिन मैं ये सब कुछ नहीं खा सकता बेटा। सॉरी अंकल, पेप्सी लाऊं क्या? क्या तुम हो? क्यों विद्याधर? सर नोट्स पूरा लिख लिया ना? लिख लिया, चाहे तो देख लीजिए। क्या हैंडराइटिंग है तेरी? तू कितना घटिया लिखा है। तेरे से तो अच्छा छोटे बच्चे ए बी सी डी लिखते हैं। तूने अपना नोट्स लिखा कि नहीं? तबीयत खराब थी सर। चल बैठ जा। ए सुनील, ये सब क्या है? एक दिन कॉलेज आते हो और 10 दिन नहीं आते हो, कहाँ जाते हो तुम? सर आपकी बहन की लड़की, मतलब मेरी बहन की लड़की बड़ी हो गई है सर, उसके फंक्शन में जरा बिजी हो गया था। तो फिर उसकी देखभाल के लिए वही रह जाना चाहिए था ना, कॉलेज क्यों आए हो? बैठ जाओ। बिजी रहते हैं, बिजी फिर बिजी। क्या कहा सर? इसने क्या बात है बेटा? क्या बात है? इन सब लोगों से पूछा तो मुझसे क्यों नहीं पूछा? तुमसे मैं क्यों पूछूं बेटा? पूछना ही पड़ेगा। क्या पूछूं बेटा? इन सब से जो पूछा वो मुझसे भी पूछ। ठीक है बेटा, पूछता हूँ तुमसे। नोट्स तुमने लिखा ना? नहीं। क्यों नहीं लिखा? वो मेरी मर्जी। अरे रे रे, ये सब सुनना मेरे ही नसीब में है। अरे मैडम का कागज गिर गया, इधर ही छोड़ के जा रही है। ए मैडम, कहाँ जा रही है? ये तो ले ले। अरे पकड़ तेरा ये। कुत्ते की औलाद, इस पर नजर डालने वाले की आंख निकाल लेते हैं हम। और तू लव लेटर दे रहा है बे? देख चुप रहे, देख मेरे को मार मत। तेरे को एक बार फिर बोलता हूँ, मार मत मेरे को। देख बोलता हूँ, मार मत मेरे को। बहुत मार, देख अभी मत मार, नहीं तो बहुत पछताएगा। मैं ना कह रहा था, इसने मेरी बात सुनी नहीं। एक बार फिर से समझा दे रहा हूँ, मेरे लफड़े में मत पड़, समझा?
दूंगा। बेवकूफ कहीं का, खामोश बैठो तो डरपोक समझते हैं। पहले चार आने में पूरी साबुन की टिक्की मिलती थी, अब ये देखो तो 2 रुपए की इतनी छोटी सी। अरे चाची, चाची क्या है रे? तेरे करण ने बड़े मालिक के छोटे भाई को बहुत मारा है। अरे वो बेहोश हो गए थे, उसे उठा के अस्पताल ले गए हैं। अब तो तेरा बेटा गया, वो लोग उसे काट डालेंगे उसे। मैं क्या करूं करिया, करिया? अरे तेरे अंकल को क्या हो गया है बेटा? अरे करिया तूने ऐसा क्यों किया रे? अब वो थोड़े चुप बैठेंगे। अरे करिया, हे भगवान मैं क्या करूं करिया? ए, मुझे दिमाग नहीं है क्या? मैं भूख से मरा जा रहा हूँ, कुछ बनाया क्यों नहीं तूने? अरे सुन तो, तूने बड़े मालिक के छोटे भाई को मारा? मैंने यूं ही उसको नहीं मारा। ये तूने क्या किया रे? अब वो लोग चुप नहीं बैठेंगे। हाँ, देख लेंगे वो क्या करने वाला है। अभी मुझे भूख लगी है, जल्दी से गंजी बना के दे चल। लेकिन मेरी बात तो मान, तबेला साफ करने का, दूध दुहने का, मेरे पास बहुत ज्यादा काम था बेटा, इसीलिए मैंने खाना बिल्कुल नहीं बनाया। वो गौरी बहन है ना, उसने बना के रखा है। हम वहीं जाके अपना घर छोड़कर वहाँ जाके खाने के लिए बोल रही है, अच्छा लग रहा है क्या? चाची इतना पीने दे रही हो, एक दिन हवा निकल जाएगी, धुआं उड़ जाएगा, संभालो। ये देख कैसा पी पी के मरा जा रहा है। अरे माँ पता नहीं तू कहाँ मुझे लेके जा रही है। हाँ कोई आया लगता है। अरे खाना तो खा के जा। मुझे दो बाटली ला दे। आजा बेटा जल्दी अंदर। क्या माँ पता नहीं कहाँ लेके आ गई। सुन बेटा, खाना खा के हाँ तू यही सो जा। उसका घर कौन सा है? यही है भाई। उसको अंदर से उठा के ले आओ। घर में कोई नहीं है। ए, ये उसकी माँ है ना? हाँ भाई। ऐसे क्या घूर रही है? तेरा लड़का कहाँ है? पता नहीं। ए! तेरे बेटे ने मेरे भाई पे हाथ उठाया है। एक बार मिल गया ना तो उसे काट के रख देंगे। ए चूहे कहाँ है रे तू? अगर तू नहीं आया तो इस जिंदा नहीं बचेगी। एक एक घर के अंदर जाओ और उस करण को ढूंढ के लाओ। हाँ भैया। हर जगह ढूंढ लिया, वो कहीं नहीं मिला। क्या? देखिए आप लोग चले जाइए। क्यों बुढ़िया? तेरे लड़के को काट डालेंगे, इसी से डर रही है ना? नहीं, हमारे हाथ पैर न टूट जाए इसीलिए डरती हूँ। देखा ना इस बुढ़िया के तेवर।
हमारे हाथ पैर तोड़ने की हिम्मत है क्या उसमें? बुला बुलाओ उसे। कहाँ है रे कुत्ते की औलाद? अगर घर का बच्चा है तो सामने आ, सामने आ रे। इस बुढ़िया के कपड़े उतार दो तब वो जरूर बाहर आएगा। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। उतार उसके कपड़े, इसके बदन से सारे कपड़े उतार दो। तूने क्या किया करिया? बड़े लोगों से पंगा लिया, ये लोग अब हमारे पूरे इलाके को जला देंगे। तेरी वजह से हम सब लोग मारे जाएंगे। अबे साले तू चल निकल यहाँ से। ये लोग मुझे मार रहे थे और मैं चुपचाप बैठू क्या?
बीच सड़क पर औरत के कपड़े उतारे जा रहे थे और तुम सब नाबर घर पे दुबक के बैठे थे। अरे तुम लोग मर्द हो क्या? बोलो ना मर्द हो क्या? लालच है तुम्हारे मर्द होने पर। अरे तुम्हारी मर्दानगी को मैं जूते से मारता हूँ। नामर्दों की औलाद हो तुम। लोगों की माँ बहनों के साथ ऐसा होता तुम चुप रह सकते हो, लेकिन मैं नहीं चुपटूंगा। मैं उसका बेटा हूँ, समझ गए ना? तुम लोगों को मेरी वजह से कोई तकलीफ नहीं होगी। जाओ, चलो जाओ यहाँ से। कौन आएगा, मेरा क्या उखाड़ लेगा, मैं देख लूंगा। छोटे, ये सब क्या हो गया तुझे? इन्हें ठीक होने में काफी समय लग जाएगा। इन्हें लगने वाली चोट कोई मामूली चोट नहीं है, कई हड्डियां टूट चुकी हैं। बड़े मालिक, बड़े मालिक, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मैंने ही इन लोगों का यह हाल किया है। कॉलेज में आपकी बेटी की किताब से एक कागज गिर गया था, तो मैंने वो कागज उसे उठा के दिया, तो छोटे मालिक उसे गलत समझ बैठे और मुझे जोर जोर से मारने लगे। उन्होंने मुझे मारा तो मेरा भी हाथ उठ गया। हिसाब किताब तो यहाँ बराबर हो गया ना। उसके बाद कुछ लोग मेरे घर आए और वो लोग अपनी मर्दानगी दिखाने लग गए, तो मुझे भी बहुत गुस्सा आया। तो वो लोग मेरी माँ की साड़ी उतारने लगे। वो देखकर मुझसे रहा नहीं गया, मैंने भी एक घूसा चबा के दिया। इसके अलावा मैंने कोई गलती नहीं की मालिक। कुछ भी हो मालिक, वो मेरी माँ है ना, उसने मुझे जन्म दिया है, सभी उसको माँ की तरह मानते हैं। देखो ये भी तो एक माँ है ना, इनके कपड़े में उतर तो आपको गुस्सा आएगा कि नहीं? हाँ, देखा ना, इसी तरह मुझे भी गुस्सा आया था। जब मैंने आपकी पत्नी के आंचल को छुआ तो आपको कितना गुस्सा आया, उसी तरह मुझे भी गुस्सा आया था। इसलिए मैंने उनको सबक सिखाया। आपके लोगों को मैंने मारा तो गांव वाले मुझसे कहने लग गए आप गांव में आग लगा देंगे, लेकिन उनको ये नहीं पता कि आप कितने अच्छे इंसान हैं। रुकिए मैं बताता हूँ। ए बड़े चाचा, चाहिए, मैंने बड़े मालिक को सब कुछ बता दिया है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। सही क्या है, गलत क्या है, ये अच्छी तरह जानते हैं, है ना बड़े मालिक? ओह, ये बड़े मालिक ही तो हमारे अन्नदाता है। चलो जाके अपना काम करते हैं। ए चलो रे, चलो चलो, चलता हूँ बड़े मालिक, आपके आशीर्वाद से तो हम जिंदा है। ए चलो रे चलो। अरे यार, मालिक का कितना बड़ा दिल है, वो बहुत ही अच्छे इंसान है, पता है? ये क्या जी, वो तुम्हें बेवकूफ बना के चला गया और तुम खड़े खड़े देखते रह गए। तुम जरा चुप रहोगे, उसे जाकर तुम लोगों को पाल पोस रहा हूँ किस लिए, तुम पर पैसा लुटा रहा हूँ किस लिए? शर्मो, तुम लोगों को ऐसे कामों के लिए जाने की क्या जरूरत है, वो भी मेरे भाइयों को साथ लेकर। आज तक मेरे भाइयों पर कोई उंगली नहीं उठा सका है, आज के बाद अब मुझसे कौन डरेगा? हाँ, जब तक इस गांव में हमारी इज्जत बरकरार है तब तक इस दुनिया में हमसे लोग डरेंगे। एक बार उनके दिलों से हमारा डर निकल गया तो हमारा पूरा धंधा चौपट हो जाएगा। लेकिन भाई, hey, चुप करना सुअर की औलाद। हेलो, है क्या हमारे कितने लोग गए थे, कोई भी सही सलामत आया? ये वही है भाई जिसने छोटी मालकिन को लव लेटर दिया था। कुत्ते की औलाद, अगर ये काम तूने एक दिन पहले कर लिया होता तो किसी की हिम्मत नहीं होती मेरे भाइयों को छूने की। Ah!
Sit down, all of you. अभिनय कहाँ है? वो नहीं आया सर. क्यों आएगा वो? उसे पता है ना, आएगा तो खाल उधेड़ी जाएगी. इस सपना को लव लेटर उसी ने लिखा था. करण तो लव लेटर लिख ही नहीं सकता है क्योंकि उसे लिखना ही नहीं आता है. ये लव लेटर किसने लिखा है और ये हैंडराइटिंग किसकी है, ये जानने के लिए मैंने सारे स्टूडेंट्स की नोटबुक चेक की तो पता चला कि ये राइटिंग अभिनय की है. इसीलिए मैं उसे कॉलेज से निकालता हूं. स्वप्ना, एक छोटी सी नासमझी की वजह से कितना बड़ा अनर्थ हो जाता है ये पता चल गया होगा. करण एक अनपढ़ लड़का जरूर है, फिर भी इस पूरे कॉलेज में उससे अच्छा लड़का और कोई नहीं है. तुम्हारे साथ इतनी सारी लड़कियां पढ़ती हैं, तुम इन सबसे पूछ लो क्या कभी किसी से उसने बदतमीजी की. तुमसे भूल हुई है स्वप्ना. दोस्त आ जाओ. अच्छा, ये टिफिन का डिब्बा तुम कितने सालों से मेंटेन कर रहे हो? ये मेरे दादी को उनके ससुर ने इनाम के रूप में दिया था. कहाँ जा रहा है? स्कूल जा रहा हूँ. अरे स्कूल नहीं रे, कॉलेज. अरे दोनों एक ही है, तू चुप करना. देख बेटा मेरी बात सुन, मुझे डर लग रहा है, तू कहीं नहीं जाएगा. ला तो की तबला. कभी जाने के लिए कहती है, कभी नहीं जाने के लिए बोलती. क्या नाटक कर रही है? ये सही कह रही यार, तू इनकी बात मान ले. कॉलेज जाना बंद कर देगा तो सारे लफड़े खत्म. एक दूंगा ना तुझे ऐसे. ओ, अगर मैं कॉलेज में नहीं जाऊंगा तो मैं पढ़ना लिखना कहाँ से सीखूंगा? अरे तुझे अकल वकल है कि नहीं? उससे मिलने के बाद मेरी अकल घास चली गई है. क्या कहा? कुछ नहीं यार, चलो. ए माँ, तू घर जा. चल. अरे यार, तू मुझे ठीक से नहीं बुला सकता क्या? मैं तुझे गाय भैंस लगता हूँ. हेलो. गुड मॉर्निंग सर, दिस इज कॉलिंग फ्रॉम यूनिवर्सल बैंक. आपको पर्सनल लोन देंगे सर, उसके लिए सिक्योरिटी की जरूरत नहीं, सिर्फ एक टेलीफोन बिल और पासपोर्ट का जेरॉक्स चलेगा सर. एक मिनट रुकिए सर, ये साले मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहे हैं. आधी रात को भी फोन करके पूछते हैं लोन चाहिए क्या. लोन अभी बताता हूँ तुम्हें. हेलो सर. हाँ बोलिए सर. मुझे नहीं चाहिए, मेरे बाप को इसकी जरूरत है, वो शायद तुमसे लोन ले लेंगे. नंबर दीजिए ना सर. ए नंबर लिखो. 9448136735. सर थैंक यू वेरी मच सर. डोंट मेंशन. तूने किसका नंबर दिया बे? उनके बाप का नंबर है, जाएंगे तो सिर फोड़वाएंगे. मैंने अपने तीनों भाइयों को अपने बच्चों जैसा पाला और उसने उन्हें ऐसे मारा. हेलो. गुड मॉर्निंग सर, हम लोग यूनिवर्सल बैंक से हैं सर, आपको कम से कम ब्याज दर पर लोन देंगे सर. फोन रख बे. अरे क्या हुआ? हेलो सर, आपके पिताजी को फोन किया था लेकिन उन्होंने कहा कि उन्हें लोन नहीं चाहिए. छोड़ना मत, फोन करते रहना, उनकी ना का मतलब हाँ होता है. अच्छा ओके सर, मैं फिर फोन करता हूँ. उन्हें देखता हूँ तो मेरा दिमाग पागलों जैसा हो जाता है. हेलो. हम लोग यूनिवर्सल बैंक से हैं सर. तुम लोग किसी भी बैंक से हो, कह दिया ना एक बार कि नहीं चाहिए. अरे बाप रे. सर, मेहरबानी करके फोन मत काटना. पैसा हम लोग आपके घर पर आके आपके हाथ में देंगे सर, अपने हिसाब से आप भरते रहना सर. हे, उन बेवकूफों को यहाँ का एड्रेस दे और बुला उनको. नमस्कार. नमस्ते. लगता है ये लोग हमारे स्वागत करने से मिलना है. सर नमस्ते. सर तेरा नमस्ते मैं अपने जूते के नीचे रखता हूँ. लोन की नाजायज हालत, मुंह से बोला तो तुझे समझ में नहीं आया, मुझे लोन देगा. ए, जाओ इसे. समय छोड़ो, मुझे लोन देगा. अबे फोन ना करिए. One of the greatest. Namaste, bhai. Physicist of all time. Einstein is best known for the theory of relativity. Although the Nobel Prize was awarded for his work on the interpretation of photoelectrical effect, he revealed that it took him just 5 weeks to write his papers on relativity in between his work as a clerk. One being asked to explain the theory of relativity. अरे उसने क्या लिखा है रे? सॉरी
मतलब क्या? इसका मतलब उसको साड़ी चाहिए, साड़ी लेके दे दे। अरे इसको जरा अक्ल सिखाओ, मैं क्यों इसको साड़ी खरीद के दे दूं? ये मेरी माँ है कि बहू है कि मेरी होने वाली बीबी है? अरे देख देख बेशर्मों की तरह कैसे दांत दिखा के हंस रही है, मेरी माँ को पता चलेगा तो आके इसके बैंड बजा देगी। हेलो, ऑन होने के बाद कभी कभी ऑफ भी हो जाया कर यार। हेलो, वो साड़ी नहीं सॉरी है। मैंने भी तो वही कहा था, लेकिन इसने गलत समझ लिया। सॉरी सॉरी मतलब बड़ी सॉरी क्या? ठीक है जाओ, कहीं भी आके मेरे सामने खड़ी हो जाती हो बिजली के खंबे की तरह। क्या बदकिस्मती है मेरी। इन द चिल्ड्रन लाइज द होप ऑफ द वर्ल्ड, लेट अस होप दैट योर जनरेशन विल पोर्ट फॉर असिस्टेंस। लेटर शी वाज सपोज्ड टू हैव टोल्ड टू हर मदर दैट द लेसन वाज इजी। ये अभी ये क्या लिख के दिखा रही है? चुप। अरे वो कुछ लिख के दिखा रही है, देखना। चक्कर आ रहा है। ए, क्या हुआ? चल उठ ना। क्या हुआ? जल्दी से एम्बुलेंस बुलाओ यार, मेरा दिल धक धक कर रहा है। क्यों क्यों क्या हुआ? आई लव यू लिख के दिखा रही है। मतलब उस दिन तूने उसे गिरी हुई चिट्ठी उठा कर दी थी और उसके चाचा ने तुझे बहुत मारा था ना, आज वही बात वो लिख कर दिखा रही है। क्या समझती अपने आपको? एक खींच के दूंगा तो तेरा चेहरा घूम के पीछे चिपक जाएगा, समझे? इसी तरह चिट्ठी में मैं लिख के दूंगा तो तेरे माँ बाप मेरा क्या हाल करेंगे तुझे पता है? और तू मुझे ये लिख के दे रही है तो मैं तेरा क्या हाल करूँ बता? तू तेरे माँ बाप ने तुझे बेलगाम छोड़ दिया होगा, मैं उस तरह का इंसान नहीं हूँ, समझे? वाट लगा दूंगा। शांत हो जा यार, शांत हो जा। ए, तू जाके एक काम कर, अपने बाप को ये कागज पे लिखा हुआ बता, उसके बाद देखना वो तेरा क्या हाल करते, समझ गई क्या? अरे बैठ जा बैठ जा, मैं तेरे पैर पड़ता हूँ यार, बैठ जा, शांत हो जा शांत हो जा। दोनों के बीच में राज रहनी चाहिए थी, उसका तुमने ढिंढोरा पीट दिया। छी! चार लोगों को मारने वाला मर्द नहीं होता, चार लोगों को डराने वाला मर्द नहीं होता। एक लड़की का दिल जीतने वाला, उसे प्यार करने वाला, वही असल में मर्द होता है। अब मेरी बात सुनो, अगर तुम सच्चे मर्द हो तो साबित करके दिखाओ। तुम्हें अपने दिल की बात बताती है, उसको ना समझने वाले तुम एक गवार हो। चार लोगों को मारने वाला मर्द नहीं होता, चार लोगों को डराने वाला मर्द नहीं होता। एक लड़की का दिल जीतने वाला, उसे प्यार करने वाला, वही असल में मर्द होता है। एमा, क्या हुआ? तूने कभी किसी से प्यार किया है क्या? है? प्यार किया है क्या पूछ रहा हूँ? ये सब तू कहाँ से सीख के आया है? अड्डे पर ये सब सिखाते हैं क्या? तो क्या तू ऐसे छत पे से आया है? अरे किया है तो हाँ बोलना, अगर नहीं किया है तो ना बोल दे, उसमें इतना भड़कने जैसी क्या बात है? Thank you.
बता, घर में बता दिया क्या? मुझे क्या तुम्हें पागल समझ के रखा है क्या? मेरा ये थोबड़ा प्यार करने लायक लगता है क्या? मेरी सूरत तो मुझे कसाई जैसी लगती है, इसलिए घर में मैंने शीशा भी नहीं लगाया, समझी? क्या इस बदसूरत के साथ तू प्यार करने चली है? तुम्हारे अंदर एक अच्छा इंसान है, मैं उससे प्यार करती हूँ। यहाँ भी प्रॉब्लम, वहाँ भी प्रॉब्लम, क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे करण रुक ना। अरे यार हाँ? मुझे प्यार हो गया रे। क्या कहा? क्या हुआ, तू नहीं जानता क्या? ये अल्फाज तेरी जुबान पर, हे भगवान तेरी लीला अपरंपार है। अपरंपार मत बोल, प्यार किया है बोल। वो क्या है ना कि ये प्यार जो होता है ना लड़की से किया जाता है। नहीं तो क्या तुझसे प्यार करूंगा? अब आगे क्या करना है बोल। वो क्या है ना, तू भी ऐसा ही है क्या? एक बात पूछू, तू खाना खाता है ना, पानी भी पीता है ना, रात में सोता भी है ना, तो प्यार कैसे करता है ये भी तो बता। ऐसा सवाल संसार में पहली बार कोई पूछ रहा है, कोई तजुर्बे वाला आदमी ही बता सकता है। तुझे पता है कि नहीं? बोलना। नहीं मालूम। तो मैं किससे जाके पूछूं? सीधे कॉलेज में जा, वहाँ प्रिंसिपल साहब होंगे, वो हमें सारी बातें सिखाते हैं ना, उन्हें जाके पकड़ ले, वो बता देंगे। नमस्ते सर। यस। तुम बेटा प्यार कैसे करते हैं? क्या? अरे क्या क्या कह रहे हो, सब कुछ तो सिखाते हो, तो प्यार कैसे करते हैं ये भी तो सिखाओ। अरे दे दे दे, वो सिखाने वाली चीज नहीं बेटा, वो तो देख के सीखा जाता है। तो वही जाकर करता हूँ। अरे बाप रे, ये कुछ गलत ना सीख ले। मैं कब से यहाँ पर भटक रहा हूँ, कोई नजर ही नहीं आ रहा है। दोस्त ने कहा झाड़ के नीचे बैठे मिल जाएंगे, नीचे भी नहीं है ऊपर भी नहीं है, फिर कहाँ होंगे? अरे वाह, तुम लोग यहाँ बैठे हो। ये क्या कर रहे थे? वो हम प्यार कर रहे थे। रुको 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 रुको, तो फिर खड़े क्यों हो, बैठ जाओ ना। तुम प्यार करो, मैं देखूंगा। मुझे भी सीखना है ना। क्या कर रहा है बे? तू इसका चुम्मा लेने निकला है और तू भी क्या बेशर्मों की तरह इसको चुम्मा दे रही है? ए, मैंने प्यार करने के लिए बोला है, ये छिछोरी हरकत नहीं चलेगी। ए, चलना अभी प्यार करना चुपचाप, यही तुम्हारा प्यार है क्या? अबे करना, नहीं तो दूं क्या खींच के। अबे ए, कहां जा रहे हो? जब तक तुम लोग मुझे प्यार करना नहीं सिखाओगे ना, तब तक तुम लोग छोड़ूंगा नहीं। ए, कहां भाग रहे हो? अरे रुक जा, मेरे को प्यार करना सीखना है। अरे यार बच के निकल गए सब, अब प्यार करना कौन सिखाएगा? मेरे दिल को क्या समझ कर रखा है? आज तू स्कूल क्यों नहीं आई बता? पता है मैंने तुझे कितना ढूंढा, कहां कहां ढूंढा, स्कूल में बैठने का दिल ही नहीं कर रहा था, इसलिए यहां पे आ गया।
मुझे क्या क्या हो रहा है कुछ पता नहीं चल रहा है। मेरा दिल कुछ करने को मानता ही नहीं है। मुझे रात में नींद नहीं आती है, पेट में भूख नहीं लगती है। मैं कहीं भी बैठा रहता हूँ तो मेरी आंखों के सामने तू ही तू नजर आ जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्यों होता है ऐसा बोल? तुम्हें मुझसे प्यार हो गया है। तुम अपने दिल में मुझे बसा चुके हो। मेरे यहाँ होते हुए भी तुम्हारा मन मुझसे मिलने के लिए तड़प रहा है। यही प्यार है। Hey, I love you. I love you. बिल्कुल बकवास है। थू सुनील, कम हियर। व्हाट इज दिस? क्या है ये सब? चिप्स का कवर है सर। इडियट, मुझे मालूम है ये चिप्स का कवर है। हम जहाँ पर रहते हैं वो जगह पूरी तरह साफ रहना चाहिए। सुनो, कॉलेज प्रीमाइसिस में अगर कहीं पर भी कचरा हो तो उसे लाकर मेरे ऑफिस के डस्टबिन में डाल देना, समझे? हाँ सर। स्टूपिड। सर, डस्टबिन। गुड बॉय। थैंक यू। हेलो, क्या कहा? चावल चाहिए बिरयानी बनाने के लिए? लेता आऊंगा। कचरा। वेरी गुड बॉय। अब छोड़ो ये सब, उसके बाप के पास चावल की फैक्ट्री है। कचरा। सब कचरा। अरे ये तो मुझे भी पता है कचरा है। अरे ये प्रिंसिपल का ऑफिस है या कचरा फेंकने के लिए डंपिंग ग्राउंड? आपने कहा था सर। दुरत, दुरत। अरे मैंने क्या कहा था? कॉलेज प्रीमाइसेस में कहीं भी कचरा देखे तो लाकर डस्टबिन में डालना। अरे इतना कचरा लाने को थोड़ा ही कहा था। प्रिंसिपल जो आज्ञा देते हैं उसका पालन करना हर विद्यार्थी का कर्तव्य है सर। ए, मेरी बात सुनो, ले जाओ यहाँ से, गेट आउट ऐसे। कौन है वहाँ पर? सब ले जाकर बाहर फेंको। तुम फिर वापस क्यों आए? आप जरा बाहर चलिए ना सर। किस लिए भाई? बाहर आइए ना सर। गलती से मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? मेरी धुलाई मत करना। वो बाद में सोचेंगे, पहले आप बाहर आइए ना सर। क्या बात है। तुमने शराब पी है? हाँ। मैंने तुम्हें पीने से मना किया था ना? अरे वो सब कहने की जरूरत नहीं है। पियो मत, मटका मत खेलो, ये सब तुम मुझे मत सिखाओ। अगर चाहिए तो मैं तुम्हें अपनी जान दे दूंगा, लेकिन ये सब मैं चीज छोड़ नहीं सकता। एक तो तुम्हारी बात मानकर मैं प्यार कर बैठा हूँ, उससे मुझे कितनी तकलीफ हो रही है पता है? रोज रोज नहा धोकर मुझे साफ सुथरा रहना पड़ता है, और मेरी माँ तो मुझे रोज रोज 25 बार डांटती रहती है। बढ़िया ही बात करने वाली। सुनो सुनो सुनो, अरे कहाँ जा रही हो? मरने के लिए जा रही हूँ। इसलिए? ए, तुम्हें उसे क्या? मैं जीऊँ या मरूँ, तुम जाकर पियो, मेरा रास्ता छोड़ो। सुनो तो। तो बताओ, बताओ ना, तुम सच में मुझसे प्यार करते हो या नहीं? ये तुमने मुझसे किस तरह का सवाल पूछ लिया? मैं तुम्हें अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती हूँ, इसलिए तुम्हारा वो शराब पीना, मटका खेलना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। तुम्हें वो सब छोड़ना होगा। करण, छोड़ दो ना, मेरी खातिर छोड़ दो प्लीज। करण, तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकते। वैसे ये तो हो गए 2 रुपए, उसके बाद ये जमा हो गए 5 रुपए। क्या बहन, आ गई तू मछली बेचकर?
आजकल तू सुबह सुबह उठ के मार्केट चली जाती है। तेरा लड़का आजकल बड़ी बड़ी मछली पकड़ के ला रहा है। अरे क्या कह रही है देवकी तू, कहाँ बड़ी बड़ी मछलियाँ ला रहा है। दो हफ्ते से सब उल्टा पुल्टा चल रहा है। आजकल तो उसका दिल दिमाग ठिकाने पे नहीं है। पता नहीं उसे क्या हुआ है, पहले तो ऐसा नहीं था। सच कह रही हो? इतना ही नहीं, तुझे एक बात बता दूँ, दिन में एक बार भी नहीं नहाने वाला। आजकल 3 बार नहाने लगा है। अच्छा, सुन बहन, लगता है तेरे लड़के को बाहर की हवा लग गई है। पता नहीं उसे क्या हो गया है। मेरा करिया उठते ही ताड़ी पीता था, अब तो वो भी छोड़ दी है। कब घर से जाता है, कब आता है, पता नहीं चलता। शोभा बहन, यहाँ आओ, यहाँ आओ। तो देखो, बहुत बढ़िया लग रहे हो मेरे प्यारे, भले ही काले हो फिर भी प्यारे हो, बिल्कुल कन्हैया की तरह। वेरी गुड। ओह, आई एम गोइंग टू द कॉलेज। या ओह माय कंची पॉट। ओह ओह सेट। अरे माँ, शोभा, रांची, लक्ष्मी, तुम लोग सब मुझे देख रहे हो, नजर लग जाएगी। आई डोंट लाइक, यू नो, बिकॉज आई एम नाउ क्रॉसिंग माई लाइफ लिमिट ऑर्डर। यू नो माई नेम इज चेकोस्लोवाकिया। ओ, 1 मिनट मम्मी, तू मेरी शादी नहीं कराना चाहती? तू नहीं चाहती कि एक पैसे वाली बहू तेरे घर आ जाए? शादी तो मेरे बाप ने भी की, लेकिन उसका तो धुआं हो गया। तेरा भी ठिकाना नहीं रहा, मेरा भी ठिकाना नहीं, दोनों भी बिना पानी की मछली की तरह है। छी 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 छी। कुछ भी अच्छा सोचकर जब मैं अपने जेब में हाथ डालता हूँ, छे, जेब खाली रहती है। यू नो बड़बड़ी मौसी, टेल माई मम्मी आई डोंट लाइक दिस। छी 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 छी। बाय मम्मी। देख लिया, मेरे बच्चे को कुछ हो गया है, कैसे बातें करता है। गुड बॉय करण इज अ गुड। पी पी के मर जाओगे, पीना ही जिंदगी बन गई है क्या? क्या मिलता है, क्या मिलता है पीने से? ये तो उड़ बैठ। एक बात बता मुझे, दिन में तू कितना कमा लेता है? 150 रुपए। बीच के एक दूंगा ना तो खोपड़ी फट जाएगी, थू तेरी जिंदगी पे। 150 रुपए कमा कर 100 रुपए का तू यहीं पी जाता है, फिर 50 रुपए में तू अपने बाल बच्चे को कैसे पालेगा? अपने सर पे हाथ रख के बोल, एक बार भी तूने अपने बाल बच्चे को पेट भर के कभी खुशी से खाना खिलाया है क्या? हा? अरे पी पी कर तू एक दिन धुआं हो जाएगा। तेरी बीवी कुछ दे माँ कहते हुए अपने बच्चों के साथ सड़क पर भीख मांगेगी। यार मेरा बाप भी तेरे जैसा एक नंबर का बेवड़ा था, उसका तो धुआं हो गया। मेरी माँ ने मुझे पालने के लिए कितने दुख उठाए ये मैं जानता हूँ। ए, पीना कोई जिंदगी नहीं है यार, ये पीना छोड़ दिया और एक अच्छी जिंदगी बिता, ये सब हम लोग कब समझेंगे? तेरे आगे मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, ये पीना छोड़ दे। दिन रात मेहनत करके अपने बच्चों को पढ़ा, वही तो आगे चलकर तेरे काम आएंगे, वो अक्लमंद बनेंगे, विद्वान बनेंगे। हमारी तरह उनकी जिंदगी बर्बाद मत कर यार, छोड़ दो ये पीना, हम नहीं पिएंगे, छोड़ दो ये सब। ए, अपने अपने घर जाओ और अपने बच्चों को संभालो। जाओ, चार आने की साइज का नहीं है और 8 आने की बोतल पी रहा है क्या? चल निकल यहाँ से, चल, चल तो भी निकल, निकल यहाँ से, चल। व्हाट? रोज हाथ हिलाते चले आते हो, कुछ खाने के लिए ला नहीं सकते? तुम्हें चाहिए क्या जाने मन, वो तो बोलो। जिसे हम प्यार करते हैं वो कुछ न कुछ हमें तोहफा देगा, ये हम लड़कियाँ सोचती हैं। वो एक पत्थर भी देगा ना तो हमारे लिए वो हीरा है। मेरी बात समझ में आई तो कुछ लाके दे देना। मुझे पता था जाने मन आज तुम यही बात करोगी, इसलिए मैं पहले ही तुम्हारे लिए सोने की चूड़ियाँ तोहफे में लेकर आया हूँ। अपना हाथ दिखाओ। वाओ, थैंक्स, थैंक्स अ लॉट। अब मैं मान गई कि तुम उससे सच्चा प्यार करते हो। अरे जानू, मैं तुम्हारे लिए बैंगलोर लेकर आया हूँ। बैंगलोर, बैंगलोर। अरे ये बैंगलोर नहीं, बैंगल्स है। हाँ वही वही। मेरा बहुत दिल कर रहा था कि मैं तुम्हें कुछ तोहफा दूँ, लेकिन मेरे पास पैसे ही नहीं थे, क्या करता। फिलहाल तुम्हें ये लेकर आया हूँ, ये लो।
गाड़ी रोको। शर्म लोग, ऐसे लोगों को काट डालना चाहिए। अरे रे, मुझे छोड़ के चली गई रे। अब मेरे पेट में दाना कौन डालेगा रे भगवान? क्या इस गांव में अब मुझे कौन पूछेगा? अरे किससे लड़ूंगा मैं? अरे माँ, कौन मेरी सेवा करेगा? शीला मौसी, ये इंसान नहीं शैतान है। पूरी कमाई पी पी के उड़ाता रहा और जुए में डालता रहा। बेचारी मेहनत करके बच्चों को पालती थी, कितने दिन तक ऐसे जीती, दुनिया छोड़कर चली गई। दो महीने हो गए हमें रॉन्ग नंबर देके हमें इस तरह दौड़ा रहा है। वो इडियट एक बार मेरे हाथ में आ जाए तो। Hold it. उसने रॉन्ग नंबर दिया था। मेरे ख्याल से वो इसी कॉलेज का स्टूडेंट रहा होगा। आई थिंक हमें लगता है कि हम लोगों को इसी कॉलेज में एक बार ट्राई करना चाहिए। यू आर राइट। किसका फोन बज रहा है? बिल्कुल सही, ये वही है। फिर से लगा। अरे क्या हो रहा है ये सब? ए सुनील, गेट अप। ऐसे मैं यहाँ तुम लोगों को पढ़ा रहा हूँ और तुम मेरा दिमाग खराब कर रहे हो। क्या है वो? मोबाइल है सर। ये तो मुझे भी पता है। देखो, क्लास छूटने के बाद इसे लेके जाना, समझ गए ना? नॉनसेंस। ए रामानंद, तुम मेरा मुंह क्या देख रहे हो? कंटिन्यू करो। जी सर। अरे क्लास टाइम में फोन क्यों कर रहे हो? हमें किसी से प्यार हो गया सर। अरे तुम लोगों का बकवास प्यार? अरे तुम्हारे माँ बाप क्या सोचेंगे? इतनी मेहनत करके तुम लोगों को यहाँ पढ़ने के लिए भेजते हैं और तुम लोग यहाँ पढ़ाई करने के बजाय इधर उधर फोन करते रहते हो, प्यार प्यार करते रहते हो। कहाँ का प्यार? अरे अपने माँ बाप के अरमानों पर पानी क्यों फेर रहे हो? एक बार प्लीज। अरे अरे रुको ना। अरे नहीं, मुझे एक बार एक बार। अरे मजा करो, आइटम मस्त है। दिल भर गया तो हमारे पास भेज दो। तेरी तो मैं। अरे रुको। अबे वो पीछे आ रहा है। अबे भगा जल्दी। अरे रुको। बातें मत करो सपना, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं भी नहीं जी पाऊंगा।
मैं भी दुनिया छोड़ दूंगा। अगर ऐसा है तो तुम्हें इन सब से दूर रहना होगा। तुम्हें एक बात पता है, हम दोनों के प्यार के बारे में पिताजी को अब तक नहीं पता। पता चल गया तो पता है क्या होगा? वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तो क्या मैं चुप रहूं? यही पसंद नहीं है मुझे। करण, तुम मेरी जान हो, तुम्हारे बिना मैं जी नहीं सकती। उसी तरह मेरे मम्मी पापा भी मेरे लिए जान से बढ़कर हैं। उनका दिल तोड़कर मैं तुमसे शादी भी नहीं कर सकती। ये भी सच है, मैं तुम्हारे सिवा और किसी से भी शादी नहीं करूंगी। आज के बाद तुम किसी पर भी हाथ नहीं उठाओगे। आराम से, प्यार से मेरे अपनों का दिल जीतकर तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। क्या सोच रहे हो करण? वादा करो मुझसे। मैं कोई भी वादा वेदा नहीं करने वाला। कोई भी आके मुझसे टकराने की कोशिश करेगा तो उसे मार कर उसके हाथ पैर तोड़ के रख दूंगा। इसका मतलब मुझसे ज्यादा तुम्हें मारपीट से प्यार है? ये बात नहीं है सपना। मुझे कुछ नहीं सुनना। अगर तुम मुझसे प्यार करते हो, सच्चा प्यार, तो तुम किसी पर भी हाथ नहीं उठाओगे। वादा करो। अपना ये वादा तोड़ना मत करण। याद रखना, जिस दिन तुम किसी पर हाथ उठाओगे उस दिन तुम अपने प्यार को खो दोगे। सपना, माँ जी, मार्किन, आप यहाँ? मैं आ जाती वहाँ पर? नहीं, वो बस मैं यूं ही चली आई। अच्छा, अब मैं कहाँ बैठने के लिए कहूँ? कुछ है नहीं। रहने दीजिए, कोई बात नहीं, ये लीजिए। ये क्या है मालकिन? साड़ी आपके लिए। मेरे लिए? जी हाँ। नहीं मालकिन, चिंता मत कीजिए, रख लीजिए। मैं चलती हूँ माँ जी। माँ, ए माँ! अरे रे, कहाँ गई सुंदरी? अरे माँ, कहाँ गई होगी अभी? अरे कपड़ा खराब हो गया मेरा, कितनी बदबू आ रही है। ए माँ, अरे वाह, ये तेरा कैसा नया अवतार? छोटी मालकिन आकर मुझे दे गई। कौन छोटी मालकिन? वो बड़े मालिक की बेटी है ना, छोटी मालकिन वो। ऐसा क्या? ठीक है पहले दे। छोटी मालकिन है ना, मुझे लगता है मुझे बहुत प्यार करती है। तू गलतफहमी में। अरे वो तुझसे प्यार नहीं करती है, मुझसे करती है। क्या? हाँ सुन ले, मैं उसे शादी करने वाला हूँ। क्या? तेरे पति की कसम, मेरा उसका लव मैरिज होने वाला है। या 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 या। ये मैं क्या सुन रही हूँ? अरे क्या कर रही है तू? क्या हो गया इसे? क्या हो गया तुझे? वो मुझसे शादी करेगी तो तुझे तकलीफ क्यों हो रही है? ये ले, ये जाकर उसे वापस दे देना। ऐसा क्यों माँ, कुछ हो गया क्या? वो इसलिए क्योंकि बहुत खून खराबा हो जाएगा बेटा। वो कहाँ, हम कहाँ? वो महलों में रहने वाले और हम झोपड़ी में, हमारा कहाँ मेल? उनकी पैर की चप्पल के बराबर हमारी औकात नहीं। ऐसों से रिश्ता? अरे अरे, हे भगवान, सपनों में भी ऐसा मत सोचना बेटा। बेटा, मुझे पता है तू उससे प्यार करता है, तू उसे भूल जा। अमीरों के दिल में क्या चलता है कुछ पता नहीं चलता बेटा, मगर गरीबों का ऐसा नहीं है। इज्जत गई तो डूब के मरना पड़ता है, हम उनके लायक नहीं। तू उसे भूल जा, भूल जा बेटा। मुझे
जान से भी ज्यादा प्यार करती हूँ करण। ये कैसे साबित करूँ मैं? क्या करूँ मैं? चांद दे दूँ मैं? हाँ? सपना। तुम मेरी जान हो करण। मैं तुम्हें किसी भी कीमत पे नहीं खोना चाहती। जिंदगी भर तुम्हारी पत्नी बनकर जीना चाहती हूँ। हाँ? तो फिर मछली पकड़ने मेरे साथ पानी में चलोगी? मनीष अप्पा, बच्चे क्यों रो रहे हैं? भूख लगेगी तो रोएंगे ही ना। इनका बाप कहाँ चला गया? और कहाँ होगा, मटका खेलने गया है। कहाँ जा रहे हो? मटका खेलने जा रहे हो? मटका खेलने जा रहे हो? अगर मैं पुराना करण होता तो तेरा खून निचोड़ कर पी जाता साले। ए मनिया, जाके देखना दरवाजे के सामने बिन माँ के तेरे बच्चे किस तरह भूख के मारे रो रहे हैं यार। खेलने बच्चा, उनकी माँ उनका बाप अब तू ही है यार। ए, ये मटका खेलकर आज तक किसका भला हुआ है? किसका भला हुआ है बोल? मटका खेलने मजा। ए बुनिया, मेरी बात मान, तेरे हाथ छोड़ता हूँ, तू कहे तो तेरे पैर भी पकड़ता हूँ यार। मटका छोड़ दे मेरे भाई। ए, बच्चों के साथ अन्याय मत कर बुनिया। ए बुनिया, आज से तू कभी भी मटका नहीं खेलेगा मेरे भाई। तुम सब लोग भी सुन लो, अगर आज के बाद किसी ने मटका खेला भी तो याद रखना, तो उसका वो हल करूंगा कि मरते तब तक भूल नहीं पाएगा। हमारा बुनिया जिस तरह बदला उस तरह तुम लोग बदल जाओ, तभी परिवार का उद्धार होगा। आज से कभी मटका नहीं खेलूंगा। हाँ छोड़ दे मुनिया, हमारा सारा गांव भी सुधर जाएगा। 40 साल की दोस्ती रिश्ते में बदलने जा रही है, आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। ये सब भगवान की मर्जी है। तो देर किस बात की, रस्में पूरी करते हैं? जरा एक मिनट रुको मेरे यार, एक बार मैं अपनी बेटी से भी पूछ लूं। बिटिया, क्योंकि शादी तो उसे ही करनी है ना। हाँ। पिताजी, मैं अभी शादी नहीं करूंगी। जब करनी होगी तो बता दूंगी। ठीक है, तुम जाओ। थैंक यू। अभी तुमने सुना ना, चलो अपना ये तामझाम लेकर अब निकलो। ये सब क्या है यार? क्या है का क्या मतलब, शादी तो उसे करनी है मुझे नहीं। तू फिक्र मत कर, तेरे लड़के के लिए कोई अच्छी लड़की देखकर मैं ही शादी करवाऊंगा। अभी तो तुम यहाँ से निकल लो। अब तुम्हारे सामने बोल भी कह सकता हूँ। चलो बेटा चलो। आप सबको प्रणाम, नमस्कार। क्यों जी, वो ना कहकर बड़े आराम से यहाँ से चली गई और तुम उसकी हाँ में हाँ मिलाकर सिर हिलाते हुए रह गए। बंद कर अपनी ये बकवास। अपने बाप के सामने खड़े होकर उसने शादी के लिए मना किया है, इसका मतलब दाल में कुछ काला है। खत्म कर दो उसे।
के घूसे से धुआं हो जाओगे। मैंने सपना को वचन दिया है, इसलिए तुम लोगों को छोड़ रहा हूं। देखा अकेले के पीछे कितने पड़े, अगर लग जाता तो मेरा काम तमाम हो जाता। अगर मुझे कुछ हो गया तो फिर तुम्हें कौन देखेगा सपना? मेरी माँ मेरे बिना जी नहीं सकेगी, जी नहीं सकेगी। वो काट के रख दूंगा एक एक को। तूने मुझसे वचन तो ले लिया ना कि मैं किसी को ना मारूं, उसी तरह तुम्हारे पिता से भी वचन लेना चाहिए था कि हम दोनों के बीच में कोई नहीं आएगा। मैं किसी के लफड़े में पड़ता नहीं हूँ, और जो मेरे पीछे पड़ता है समझो काट के रख देता हूँ उसे। मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होगा। अरे बापरे, मुझसे ये सब नहीं सहा जाएगा। अरे बापरे, मुझसे ये सब नहीं सहा जाएगा। अब डरना कैसा, तुम्हारे पिताजी को तो सब पता चल ही गया ना। शादी की बात कर लो, मैं करने को तैयार हूँ। अरे सपना तू खामोश क्यों खड़ी है, अपने पिताजी से बोलना। तू पागल हो गया है क्या? मैं और तुझसे शादी करूंगी? ए, कभी गौर से अपनी शक्ल आईने में देखी है तूने? मेरे पैर की उंगली के बराबर भी नहीं है तू, और तू मुझसे शादी करने चला है? नाटक किया था मैंने तुमसे प्यार करने का नाटक। मजाक कर रही हो ना? शट अप, उधर देखो। चाचा को ठीक होने में 3 साल लगेंगे, और ये उम्र भर झुक नहीं सकते। कमर की हड्डी तोड़ दी तुमने, इन्होंने अपने हाथों से खिलाया है मुझे, तुमने वो हाथ ही तोड़ दिया। इन सब को ठीक होने में 3 साल लगेंगे या 8 साल, भगवान ही जानता है। इनकी हालत देखकर मुझ पे क्या गुजरती है पता है तुझे? मेरे पिताजी हर हाल में तुझे खत्म करने का फैसला कर चुके थे, लेकिन वो मुमकिन नहीं था, ये मैं जानती हूँ। तू तो फौलाद का बना हुआ है ना, तुझे मारने की हिम्मत किसी मर्द में नहीं है, इसीलिए मैंने ये चाल चली। तूने तो इनके हाथ पैर तोड़े हैं बस, मगर मैंने तेरा दिल ही तोड़ दिया। मेरे बिना तू अब जी भी नहीं सकता। मुझे याद किए बिना तू सांस भी नहीं ले सकता। हर पल तू मुझे याद करके तड़प तड़प के मरेगा। यही तुझे दी हुई मेरी पनिशमेंट है। नाउ गेट आउट। अबे चल जाना, बहुत देखे। तेरे लिए मैं घुट घुट कर रोऊंगा, दिन रात तड़पूंगा, और फिर तिल तिल कर मरूंगा। चल छोड़ना, जब मेरा बाप मरा था तभी मैं नहीं रोया, बस 2 ही दिन में मैं भूल भी गया था, समझे? ए, मछुआरा हूँ मैं, मछुआरा। और तू थू, चल भोट। ए, ये तेरा प्यार है ना, तेरा प्यार मेरे लिए क्या है पता है? इसके बराबर है। थू, ए, चल हट जा ऐसे, हट जा। ओ, बड़ी आई मुझसे प्यार करने वाली, जान छिड़कने वाले। बड़ी शान से कहती थी ना, अगर आज के बाद तेरा कोई आदमी मेरे पीछे पड़ेगा ना तो उसे मैं काट के रख दूंगा। अकेला हूं तो डर जाऊंगा, ये मत समझना। मुझे मेरी माँ की कसम। थू, मैं तेरे लिए घुट घुट के क्यों रहूं? तेरा मेरा रिश्ता ही क्या है? मुंह में जो आया उसने बक दिया, उसकी बातों में आकर मैंने भी बहुत कुछ बक दिया।
ये लोग महलों में रहते हैं तो क्या मरने के बाद स्वर्ग में जाएंगे क्या? और हम लोग अरे भाई, मैंने 2-3 दिन से धंधा बंद कर दिया है। तू धंधा बंद करेगा तो हम जैसे लोगों का क्या होगा? किसने कहा तुझसे? अगर तुझसे किसी ने धंधा बंद करने को कहा तो उसकी मैं माँ बहन कर दूंगा। चल 2 बोतल लेके आ मेरे लिए। लेकिन भाई, अरे जाना जाके लेके आ, और तू भी जा चल, और जाके मेरे लिए चकना भी लेके आ। मुझ पर बड़ी हुकुम चला रही थी, यहाँ मत बैठो, वहाँ खड़े मत रहो, पियो मत, मटका मत खेलो कह रही थी। ओह, अरे उसका हुक्म मानता रहो, मैंने तो कभी अपने माँ की बात नहीं सुनी। रुक रुक, मैं बताता हूँ तुझे अपने आप को क्या समझती है। किसी की बातों में आकर मैंने अपनी जान को मुझसे दूर कर लिया था, आज के बाद फिर कभी ऐसा नहीं होगा। बेटा, करिया ऐसे क्यों बैठा है? ले खा ले। ए माँ, अब बाप मरा था तो तू कितने दिन रोई थी बोल? लेकिन वो सब बातें अभी क्यों? कितने दिन रोई थी? तो 2 महीने ना, उसके बाद सब कुछ भूलकर अपने काम पे लग गई थी ना। वो तेरी छोटी मालकिन कह रही है कि मैं उसके बगैर जी नहीं सकता, उसके बगैर मर जाऊंगा, घुटते 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 घुटते। क्यों, वो कोई परी है क्या? तूने खाया? तू खा ले। हाँ तो ले खा, तू खा ले ना बेटा। अरे खाना मुझे नहीं चाहिए। बेटा करिया, जो कुछ हुआ उसे भूलकर पहले जैसे बन जा बेटा। ए, खाना है तो खा, मुझे भाषण मत सुना, समझे? खो दिया है, कुछ तो खो गया है मेरा। क्या खो दिया है मैंने? क्या खो दिया? यही 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 कुछ खो दिया है, यही। क्या खो दिया मैंने? कुछ तो खो दिया है, कुछ तो खो चुका है, कुछ खो चुका है मेरा। माँ, मैंने कुछ खो दिया है माँ, यही यही कहीं कुछ खो दिया है मैंने। तुम जाओ, मैं ढूंढ लूंगा, तुम जाओ। अरे जाओ ना तुम। खो गया है तो यही यही। बेटा पिएगा? तेरी ऐसी हालत मुझसे देख ही नहीं जाती। इसे पी ले, सब कुछ ठीक हो जाएगा। पीना बेटा। दिमाग है कि नहीं तुझमें? बाप पी पी के मर गया,
मैं भी पी पी कर उसी तरह मर गया तो तुझे कौन देखने वाला रहेगा? नहीं नहीं, अब कोई भी नहीं पिएगा, पीने से किसी का भला नहीं होने वाला। मैंने सपना को वचन दिया है कि मैं कभी शराब नहीं पीऊंगा। उसने भले ही मुझे धोखा दिया हो माँ, मगर मैं उसे धोखा नहीं दूंगा। फेंक दे इसे, मैं नहीं पीने वाला, मुझे कुछ नहीं चाहिए। सपना, मेरी सपना, मुझे भुला दिया, मुझे धोखा दे दिया, मगर मैं तुझे नहीं भूल सकता। सर, सिर्फ एक मिनट सर। आहा, सच्चाई की मूर्ति, ये तूने क्या किया? वादा तोड़ दिया, उस लड़के की जिंदगी बर्बाद कर दी। पूरा कॉलेज जानता था कि तुम लोग एक दूसरे से प्यार करते हो, कोई नहीं जानता था कि तुम उसके साथ प्यार का नाटक कर रही हो। अरे तू है तुम पर, तू है तुम पर। हमारा करण कितना शरीफ लड़का है, और तूने उसके दिल में अपने लिए प्यार भर करके उसे पागल बनाकर भटकने के लिए छोड़ दिया। अरे तेरे जैसी लड़कियों के दिल में क्या चल रहा है ये खुद भगवान भी नहीं जानता। अरे क्या मिला तुम्हें उसके साथ प्यार का नाटक करके? जैसे कोई शरीफ लड़का दिखता है, पहले तो उसे पटा दियो, फिर उसका दिल तोड़ के मुस्कुरा के चल देती हो। हो सकता है कि तुम उसको भूल गई हो, लेकिन वो आज भी तुमसे बहुत प्यार करता है। तेरे कहने पर उसने पीना छोड़ दिया, मटका खेलना छोड़ दिया, और ऊपर हाथ उठाना भी छोड़ दिया। बताओ उससे और क्या क्या करवाना चाहती हो, बताओ मुझे, मैं उससे करवाऊंगा। तेरे खानदान के लोग लोगों को बकरियों की तरह काट देते, लेकिन तूने तो बिना हथियार के उसे जीते जी मार डाला। बहुत ग्रेट हो तुम जैसी सिर्फ एक लड़की उस जैसे सैकड़ों लड़कों पर भारी है। दूसरों के आंसुओं को सैलाब में डुबोने वाली तुम भी नहीं बचोगी, बर्बाद हो जाओगी। उसके बारे में सोचता हूँ तो कलेजा मुंह को आता है। अगर उसकी बजाय तूने मेरे साथ ये सब किया होता ना, तो मैं तुम्हें काट कर रख देता, नहीं रहना इस कॉलेज में। थू। मालकिन, ओहो, क्या बात है लक्ष्मी, तूने हमारे यहाँ मछली लाना ही छोड़ दिया है, अब क्यों आई हो यहाँ पर? अचानक से तुझे हमारी याद आ गई, खर्चे के लिए कुछ चाहिए क्या? पुरानी साड़ी वाड़ी चाहिए क्या? नहीं चाहिए मालकिन, मेरा बेटा खाता नहीं पीता नहीं, बस दिन रात रोता रहता है। तो फिर उसमें मैं क्या कर सकती हूँ? मेरा एक ही बेटा है, अगर उसे कुछ हो गया ना तो मैं जी नहीं पाऊंगी। मतलब की बात कर तू। वो मालकिन, मेरा बेटा छोटी मालकिन को चाहने लगा है। हाँ तो क्या? अगर इन दोनों की शादी कर ली जाए तो ठीक हो जाएगा। अच्छा, तो अंदर आना लक्ष्मी, अंदर बैठकर बात करते हैं। अरे अब तू क्या सोचने लग गई, अंदर आ, कह रही हूँ ना। मालकिन, क्या मैं अंदर आऊँ? नीच जात की होकर सिर पे बैठने का सपना देख रही है तू? मेरे घर की झाड़ू के बराबर औकात नहीं है तेरी, और तू मेरी समधन बनने के लिए आई है यहाँ? हाँ, तेरे लड़के ने मेरे देवरों के हाथ पैर तोड़ दिए क्योंकि उन्होंने तेरी साड़ी को छुआ था। क्यों नहीं, तू कहीं की विश्व सुंदरी है क्या जो बाहर का कोई भी आदमी तुझे छू नहीं सकता? ए, ले जाओ इसे यहाँ से, और इसके सारे कपड़े उतार कर छोड़ दो इसे बाहर। देखती हूँ आज इसे बचाने के लिए कौन आता है। ले जाओ इसे यहाँ से, कौन आता है इसे बचाने आज? नहीं तो अनर्थ हो जाएगा मालकिन, ऐसा मत करो मालकिन। छोड़ो इन्हें, शर्म नहीं आती तुम्हें ये सब करते हुए? जाओ यहाँ से। आप जाइए माँ जी। सपना, ये क्या माँ, तुम भी एक औरत होकर इस तरह की घटिया हरकत कर रही हो? एक बार इसका अंजाम देखा है ना तुमने, अपने देवरों का हाल देख रही हो? हमारी दुश्मनी सिर्फ करण से है, उसकी माँ से नहीं, याद रखो। करण, कहाँ है बे तू? आजा, अबे आजा, चला गया, अबे नालायक कहीं दूर चला गया क्या? उसके ना होने की वजह से ये यहाँ पर है, वो आएगा तो ये सही हो जाएगा, सही हो जाएगा।
करण आ जाना। कहाँ है, कितने दिन हो गए तुझे गए? अरे रे 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 रे। आजा करण आजा, तू आएगा तभी यहाँ पे सब कुछ सही होगा यार। तेरे बिना यार जीना मुश्किल हो गया है, चल आजा। पागल हो गया है हा? उसकी याद में पागल हो गया है तू? क्यों मेरा कलेजा जला रहा है पता? क्यों ऐसा कर रहा है तू? भूल जा उसे। ए, तूने ऐसा सपना क्यों देखा ये मैं नहीं जानती, लेकिन मैंने, मुझे लगता है मैंने अपने बेटे को हमेशा के लिए खो दिया है। बेटा तू उसे भूल जाएगा ना बेटा? तू ना पीना मत छोड़, हाँ रोज जी भर के पी ले, मैं हूं ना तेरे साथ, उसे भूल जाएगा ना? हाँ? हाँ? नहीं भूलेगा तो जा। ए, तू चला जा वहीं पर, उसे दिल में बसा कर तू यहाँ क्या कर रहा है, वहीं चला जा। जीना चाहता है ना तो उससे शादी करके उसके साथ जी, नहीं तो कहीं जाके मर जा। मैं कहीं भी रह लूंगी, तेरे बिना जीना सीख लूंगी, कैसे भी जी लूंगी मैं। ए, अगर तुझे शादी करने का इतना ही शौक है तो फिर कमाना भी सीख, नहीं तो शादी के बारे में सोचना मत। थू है तेरे पैदा होने पर आग लगे, थू। पुलिस स्टेशन है ना? सब कुछ अगर सेटल हो गया तो फिर गरीब लोग क्या करेंगे? मैं हार गया सपना, मैं हार गया। तुमने सही कहा था, तुम्हें भुलाकर जीना मेरे बस में नहीं है। मैं लाख कोशिश करता हूं फिर भी मैं तुम्हें भुलाने में नाकामयाब रहा। प्यार क्या होता है यह मैं हर किसी से पूछता था, आज मैं समझ गया यही यही प्यार है। शीशे में देखने पर ही पता चलता है हमारी सूरत कैसी है, नहीं तो पता ही नहीं चल पाएगा। वैसे ही मेरे जीवन का तुम आईना हो सपना, मेरी जिंदगी तुमसे ही जुड़ी है सपना। मैं क्या हूं तभी मैं पहचान पाया। तुमने क्या किया तुम्हें पता है? करण को तुमने मार दिया। वो ये करण नहीं है, उस नालायक को मैं बुलाता हूं तो वो आता ही नहीं है, लेकिन इसे तुम्हारे बगैर जीना आएगा ही नहीं सपना। इसने कोई गुनाह नहीं किया, इसको सजा देना कहां का इंसाफ है? मैं तुम्हारे हाथ जोड़कर कहता हूं सपना मुझे माफ कर दो, अगर तुम नहीं मिली तो मैं पागल हो जाऊंगा, मुझसे शादी कर लो ना। बोलो सपना, कुछ कहो ना, मुझसे शादी करोगी क्या? तुम्हारे अपनों से मैं बात करूं क्या? साहूकार, साहूकार जी, अनजाने में मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई थी साहूकार जी, उस समय मैं कुछ समझ नहीं पाया था, भगवान के लिए मुझे माफ कर दो साहूकार जी। आपके छोटे भाई पे मैंने अनजाने में हाथ उठाया था साहूकार जी, आपकी बेटी से मैं बहुत प्यार करता हूँ साहूकार जी, मेरी गलती की सजा आप चाहो तो इस चप्पल से मुझे मार लो साहूकार जी, मैंने कोई गलती नहीं की साहूकार जी, मुझे माफ कर दो। माँ जी, माँ जी, माँ जी, मैं आपके पैर पड़ता हूँ, आप तो कुछ कहिए ना माँ जी। ए भाई,
उस समय मुझे कुछ सोचा नहीं था, गलती से मेरा हाथ टूट गया था। मैं जब तक जिंदा हूँ तब तक कुत्ते की तरह आपकी सेवा करता रहूंगा। मैं भगवान के लिए मुझे ऐसी सजा मत दो। ए भाई, भाई आपका ये पैर मैंने मार कर तोड़ा था ना, उम्र भर में आपके घर की रखवाली करूंगा। भाई भगवान के लिए आप लोग इस तरह खामोश मत रहो। भाई अचानक में तुम लोगों पर हाथ उठाने की भूल हो गई है, मैं मानता हूँ, लेकिन यह भी सच है कि मैं दिल का बहुत ही अच्छा हूँ। भाई आपकी ये बेटी मेरी जान है। भाई मुझ में इसी ने बदलाव लाया है। भाई तुम लोग चाहो तो यहाँ पर मुझे जो भी सजा देना दे दो, मैं उफ तक नहीं करूँगा भाई, मगर मैं इसको नहीं छोड़ सकता। कोई तो कुछ कहो ना, मैं आप लोगों के हाथ छोड़ता हूँ, कुछ तो जवाब दो भाई। अरे रास्कल, घर में घुस कर दादागिरी करता है। नहीं साहब जी, नहीं साहब जी, मैं घर में घुसा नहीं हूँ। बस बंद कर, चाहो तो इन लोगों से पूछ लीजिए। नहीं साहब जी, सपना तुम्हें तो कहा था ना, सपना सपना इन्हें बताओ मैं लफड़ा करने नहीं आया था। सपना बताओ ना, सपना बताओ, तुम भी कुछ नहीं बोल रही हो, बोलो ना इनको, हम दोनों की शादी होने वाली है। चलो इधर आओ। क्या है भाई? ये रखो, ये पैसा गले ना गले, उसकी चर्बी जरूर गलनी चाहिए। सपना सपना मेरी बात तो सुनो, सपना 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 अपने घर वालों को समझाओ। सपना सपना मेरी बात सुनो। सपना नमस्कार इंस्पेक्टर साहब। आइए आइए प्रिंसिपल साहब। करण को छोड़ दीजिए, लगता है आपको भी उठाकर अंदर करना पड़ेगा। किसी के घर में घुसकर धमकी देना कितना बड़ा अपराध है पता नहीं है क्या आपको? मैं जानता हूँ, लेकिन उसकी वजह से आज तक किसी को कोई तकलीफ नहीं हुई। मैं सच कह रहा हूँ इंस्पेक्टर, उसके कॉलेज में रहने की वजह से टपोरियों से लड़कियाँ सेफ रहती थी। ये बकवास रीजन मुझे मत सुनाइए, ये सब बड़े लोगों की बातें हैं। इस लफड़े में आप टांग मत अड़ाइए, मैं चाहूँ तो आपको इसी वक्त गिरफ्तार कर सकता हूँ। जाइए यहाँ से। इंस्पेक्टर आउट। सर एक बार करण से मिलने दीजिए, हम लोग चले जाएंगे सर, प्लीज सर। ठीक है, कोई एक जाकर मिल लो। अरे हे भगवान, भगवान मेरे यार, मेरे दोस्त यार, देख मुझे। अरे मेरे यार, ये तुझे क्या हो गया? क्या है मेरे यार, तेरी हालत मुझसे देख नहीं जाती। एक बात बता, तू उसकी खातिर क्यों अपनी जान देने पर तुला हुआ है? अगर वो तुझे भूल गई तो तू उसे याद मत रख, तू भी उसे भूल जा यार। ए मेरे यार, मेरी सपना को मैं भी दिन रात भूलने की कोशिश करता हूं, मगर ये मन तो मानता ही नहीं है। वो भगवान पिछले जन्म का कोई कर्ज इस जन्म में ले रहा है, मेरी मानता ही नहीं है ये। मेरा दिल मुझे बहुत सता रहा है, जी करता है उसे किसी चीज से चीर डालूं, लेकिन उसमें मेरी सपना है ना, हर जगह वही दिखती है। वो अगर मुझे मिल जाएगी ना तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा यार। हे भगवान। Hey, चल उठ, चल जा यहाँ से, चल बहुत हो गया, चल जा। सर इसे जल्दी से जल्दी। हाँ ठीक है ठीक है, छोड़ देंगे, चल जा यहाँ से। चल रहे बंकर, मुझे कुछ नहीं होगा, मुझे कुछ नहीं होगा। पिताजी मुझे आपसे कुछ बात करनी है। Hey,
क्यों बेकार में मार खा के मर रहा है? आज से तू उनके लफड़े में नहीं पड़ेगा। पेपर में साइन कर दे, मैं तुझे छोड़ दूंगा। मैं अपनी जान दे सकता हूँ मगर अपनी सपना को नहीं छोड़ सकता। ए बेवकूफ, आज उसकी शादी है, उसके लिए तू अपनी जान क्यों देना चाहता है? अभी आधे घंटे बाद उसके साथ फेरे हो चुके होंगे। झूठ! झूठ बोल रहा है तो? ए, क्या रे, क्यों चिल्ला रहा है? मेरी सपना मुझे छोड़कर किसी और से शादी नहीं कर सकती। अबे पुलिस वाले पे हाथ उठाता है, है? पुलिस वाले पे हाथ उठाता है, तेरी तो कुछ भी मालूम नहीं था, सब कुछ मुझे तुमने सिखाया। आज मेरा जो कुछ भी यह हाल है, तुम्हारे बगैर एक पल भी मैं रह नहीं सकता। सपना, तुम किसी के डर की वजह से खामोश हो ना? हाँ, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। मैं हूं ना, कोई भी हमारे बीच में आया ना तो काट कर उसका खून पी जाऊंगा। उसके बाद तुम्हें उठाकर सीधे अपने साथ ले जाऊंगा। यहाँ तो मंडप भी सजा है, मैं तुमसे शादी यही करूंगा। अरे हार तो मैं नहीं लाया, मिल गया। मालिक, मैं आपकी बेटी को मंगलसूत्र पहना रहा हूँ। पंडित जी, मंगलसूत्र दो। बोलो ना, मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ ध्वज। सब लोग बोलो, जोर से बोलो, शहनाई बजाओ। Thank you.
तुमसे बदला लेने की इसी उद्देश्य से मैंने तुमसे प्यार करने का नाटक किया था। बाद में पता चला मेरी मर्जी के बिना ही मेरा ये मन तुम्हारा हो चुका था। मेरी वजह से तुम्हें बहुत तकलीफ उठानी पड़ी। बहुत सोचने के बाद मैं ये समझ पाई कि मेरा इस दुनिया में जीना बेकार है, इसलिए मैं जा रही हूँ। मेरे बाद भी तुम्हें जीना होगा, मुझे माफ कर देना। सपना, अपना ये वादा तोड़ना मत करन। याद रखना, जिस दिन तुम किसी पर हाथ उठाओगे उस दिन तुम अपने प्यार को खो दोगे। नमस्ते। नमस्कार। नमस्ते। नमस्कार। भाई साहब, वो वहां क्यों बैठा? हमारे देश में एक ताजमहल है ना, उसी तरह इस लड़के के लिए यही ताजमहल है। वो जिससे प्यार करता था वहां उसकी समाधि है, और उस समाधि के अगल बगल में किसी और की लाश को ना दफनाया जाए इसीलिए वो उसकी रखवाली करता है। अच्छा। उसका खाना पीना सोना सब यहीं पर है। ये तो आश्चर्य की बात है। हाँ सही कह रहे हो।